हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार और अनबॉक्स ब्लेड के एक और फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास रेल वायर का कनेक्शन है तो कैसे आप खुद से घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं, हम यही इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो पर कोई भी गिव अवे नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस भी बताऊंगा, बोनस टिप भी दूंगा कि कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। एक सबसे बढ़िया वाला प्लान बताऊंगा रेल वायर का, जो कि आपका काफी ज्यादा पैसा बचाएगा। इस वीडियो में हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले कोई सा भी ब्राउजर खोल लीजिए, और ब्राउजर खोलने के बाद ऊपर में, सबसे ऊपर में आपको लिखना होगा रेलवायर लॉगिन, और उसके बाद अपने राज्य का नाम, जैसे कि बिहार, झारखंड, जो भी है आपके स्टेट का नाम, वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद इंटर करना है। सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। राइट साइड में यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और लॉगिन जो पासवर्ड है वो देना होगा, और एक कैप्चा भरना होगा। तो यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड जो है, ये आप जो आपका कनेक्शन लगाया था उससे बात करिए, वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आप खुद से रिचार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद इंटर करेंगे। तो ये है आपके रेल वायर का बिलिंग अकाउंट। यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इस महीने यूज किया है 266 GB मात्र, और हमें मिला कितना था, 3072 GB। तो इतने जीबी में से हम सिर्फ इतना ही इस्तेमाल कर पाए हैं। और इस चीज के लिए हमें स्पीड कितना मिलता है, तो लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर 75 Mbps। तो ये जो स्पीड है, अभी लोग यहीं पर गलती करते हैं कि वो लोग अनलिमिटेड प्लान लेते हैं और वहां पर स्पीड और कम ले लेते हैं, 50 Mbps या 25 Mbps वाला। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो 3000 GB है, ये 3000 GB आपको 30 दिन में खत्म करना है। यानी कि एक दिन के हिसाब से आपको एक दिन में 100 GB खत्म करना है। तो क्या आप एक दिन में 100 GB खत्म कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं, ज्यादातर केस में नहीं। तो इसलिए आपको यही वाला प्लान यूज करना चाहिए, जिसका मेरे को पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 647 रुपए। स्पीड एकदम बढ़िया, 75 Mbps, और इसकी प्राइसिंग क्या है, 647। अब ये प्लान आप कैसे रिचार्ज कर पाएंगे यही प्लान? तो इसके लिए आपको प्लान चेंज करवाने के लिए, आपको जो आपका कनेक्शन लगवाया था उसको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे 75 Mbps वाला, 3072 GB वाला मुझे चाहिए प्लान, वो मेरे में चेंज कर दीजिए। और एक बार वो चेंज कर देगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप रिचार्ज कर सकते हैं। अब रिचार्ज कैसे करेंगे, तो इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा रिचार्ज का ऑप्शन, तो इस रिचार्ज पर हम क्लिक करेंगे। रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पेमेंट गेटवे को आपको सेलेक्ट करना होगा। रेजर पे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 647 के रिचार्ज पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर पे पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि गूगल पे, फोन पे है, और ये जो ऊपर में QR कोड दिख रहा है, इसको डायरेक्टली स्कैन कीजिए अपने फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, तो आपका यहाँ से भी रिचार्ज हो जाएगा। या आप कार्ड से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर पेमेंट चीजें आराम से आप कर सकते हैं पेमेंट। मैं फिलहाल यहाँ से QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ और डायरेक्टली पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मोबाइल से पे किया, यहाँ पर अपने आप ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ चुका है, रिचार्ज हो चुका है, हमारा नेट अब चालू हो चुका है। माय डेटा यूजेस में जाकर के आप अपना डेटा चेक कर सकते हैं कि कितना आपने यूज किया है, नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी मैंने रिचार्ज किया है, तो यहाँ पर सब कुछ अभी 0 दिखा रहा है, 3072 GB अवेलेबल है। फिर से अकाउंट समरी में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 GB यूज हुआ है 3072 GB में। तो यही कुछ ऐसा सीन है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि रेल वायर का कनेक्शन कैसे कटवाते हैं। जैसे कि अगर मुझे शिफ्ट करना है, मुझे अब कनेक्शन नहीं रखना है, तो इस कंडीशन में कैसे हम रेल वायर के कनेक्शन को कटवा सकते हैं और वहां से निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।